शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। राधे राधे, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोज क्या करूँ में। दर्शकों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ जो आपको करना है सावन के महीने में। सावन का महीना दर्शकों बहुत ही सुंदर और पवित्र माना गया है। ऐसे में यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो यह उपाय आपको सावन के महीने में करना है। यदि आप किसी कामना की पूर्ति के लिए बहुत दिनों से परेशान हैं तो सावन का महीना आ गया है, ऐसे में आप इस उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, सावन के महीने में आप भगवान शंकर को 108 वेल की पत्री या 108 चावल या 108 हरी मूंग जरूर समर्पित करें। और जब भी आप इन सभी सामग्रियों को समर्पित करिएगा भगवान शंकर की शिवलिंग पर, तो ध्यान रखिएगा आपकी पत्ती बेल की कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। आपका चावल आखा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, और आप जो हरी मूंग चढ़ा रहे हैं वो भी आपकी खड़ी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। पूरे सावन के एक महीने में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन के सोमवार के दिन आप इस उपाय को करिएगा। प्रदोष के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन, जो भी आपको विशेष दिन लगे सावन के महीने में, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, जब आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो उत्तर दिशा करके ही आप जल चढ़ाइएगा। उत्तर दिशा करने से, जल चढ़ाने से भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जब भी आप दर्शकों भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप तांबे के लोटे में कभी भी दूध मिला के आपको नहीं चढ़ाना है भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर। आप तांबे का लोटा छोड़ के पीतल का लोटा ले सकते हैं, चांदी का कोई बर्तन ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास नहीं है तो स्टील से आप दूध चढ़ाइएगा। तांबे में आपको दूध भूलकर भी नहीं मिलाना है। तीसरा उपाय है दर्शकों, आपको शंकर भगवान को कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को यदि आप शंख से जल को चढ़ाते हैं तो इससे भगवान रुष्ट होते हैं और आपकी कामना पूरी नहीं होती है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास दर्शकों हरी मूंग नहीं है, 108 चावल का दाना भी आप नहीं चढ़ा सकते, बेल की पत्री नहीं चढ़ा सकते हैं, तो 108 सफ़ेद पुष्प लीजिएगा अपनी कामना करते हुए। जब आप भगवान शंकर की शिवलिंग पे चढ़ाएं तो जब आप एक पत्ती हो या पुष्प हो या चावल का दाना हो या हरी मूंग हो, तो एक दाना जब आप चढ़ाइएगा तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप इस प्रकार से चढ़ाइएगा, या भगवान शंकर के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए, इस तरह आप एक एक दाना या एक एक बेलपत्री आपको 108 बार समर्पित करनी है। यह उपाय दर्शकों किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको पूरे सावन के किसी भी दिन भी कर लेना है। सावन का महीना आपका शुरू हो रहा है 4 जुलाई से। सावन का पहला सोमवार दर्शकों आपका पड़ रहा है 10 जुलाई को। सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। यदि आप व्रत रखते हैं तो सावन के पहले सोमवार से रख सकते हैं। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।